घर में घुसकर एक साथ 70-80 हथियारबंद लोगों द्वारा हमला करने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को मांग को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आईजी को ज्ञापन दिया। दरअसल कश्मीर को लेकर व्हाट्सएप पर वीडियो डालने को लेकर नाराज थे मुस्लिम समुदाय के 70-80 लोगों ने कोटा के केतुनी पुल थाना इलाके में रविवार को राजेश गौतम के घर परिवार में घुसकर सरयू डंडों और पेट्रोल पंप से हमला कर दिया। इससे पूरा परिवार दहशत में आ गया और सभी ने अपने आप को घर में बंद करके मुश्किल से जान बचाई, जबकि राजेश के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर महिला थाना है, लेकिन लगातार फ़ोन करने के बाद भी कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। कंट्रोल रूम से भी इसकी सूचना को आधा घंटा बाद पुलिस पहुंची। इस मामले में पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार किया, जबकि दर्जनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हिंदू युवा वाहिनी के रामचरण लोधा ने कहा कि देश में कश्मीरी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देशद्रोहियों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन कर कोटा व हाड़ौती को बंद किया जाएगा। हमारा मामला ये है, कुछ दिन पहले भी 28 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों ने राजेश गौतम के घर पे जाके 50-60 लोगों ने पत्थरबाजी करी, उसको जान से मारने के लिए बोतल बम फेंके, लट सरिये लेकर तलवार लेकर उसके घर पे आए और षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने योजना बनाई रामपुरा के अंदर बैठ के नदी के किनारे। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये कौन लोग है जो इस तरीके से, अगर मान लो कश्मीर की बात कोटा में करी जाती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा तो पूरे हिंदुस्तान की है, पूरे हिंदुओं की है, पूरे हिंदुओं का आस्था का सवाल है वहाँ पे, तो और हर साल हम लोग बाइक से अमरनाथ यात्रा जाते हैं। अगर मान लो वहाँ के बारे में कोई बात की जाती है कि अमरनाथ यात्रा पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए कश्मीरी लोगों जो करते हैं वहाँ के लोग हमारे ऊपर, तो अगर ये बात हम लोग करते हैं यहाँ पे तो वहाँ के लोगों को इतना दर्द क्यों हुआ, वहाँ के लोगों के समर्थन में ये कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पे ISI सिमी के जो एजेंट हैं या कौन से संगठन से ये ताल्लुक रखते हैं, जो एक आदमी ने ऐसा कहा उसके घर पे पत्थरबाजी बोतल बम और तलवार थरिये लेकर उसके घर पे जान से मारने के लिए हमला किया। तो उन चीज़ों की जानकारी के लिए हम आईजी साहब के पास आए ज्ञापन देने के लिए और हम ये जानना चाहते हैं ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं जो कश्मीर की बात सुनने के पे यहाँ पे हिंदू के ऊपर हमला कर रहे हैं कोटा शहर के अंदर। इसका मतलब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान से इनका तार जुड़ा हुआ है, लिंक है इनका, इनकी जाँच की जाए ये कौन से लोग हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। 70-80 लोग थे, अभी प्रशासन ने सिर्फ 4 आदमी पर कार्रवाई की है, मैं चाहता हूँ 60-70 लोग थे इन सब पे कार्रवाई हो, यही हमारी मांग हिंदू युवा वाहिनी की तरफ। लेकिन अगर नहीं करी कार्रवाई पुलिस ने तो क्या, अगर मान लो नहीं की तो हिंदू युवा वाहिनी कड़ी निंदा करेगी और सारे संगठनों से मिलकर बातचीत करके पूरा बड़ा आंदोलन करेगी कोटा शहर के अंदर, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो पूरी कोटा बंद का आह्वान करेगी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं तो पूरी हाड़ौती बंद का आह्वान रखेंगे हम लोग हिंदू युवा वाहिनी माध्यम।